हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी P1 प्रो फ़ोन है तो रियल मी P1 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन को कैसे फ़ोन की DPI को इंक्रीज कर सकते हैं रियल मी P1 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन में DPI को कैसे बढ़ा सकते हैं रियल मी P1 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि DPI को कैसे इंक्रीज कर पाएंगे और कैसे बढ़ा सकते हैं DPI को, और अपने तरीके से सेट कैसे कर सकते हैं DPI को बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में DPI को इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली बस आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही सेटिंग से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन में DPI को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं कि सिंपली बस आपको स्लाइड करते हुए अबाउट फ़ोन पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाकर फ़ोन के DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सिंपली स्लाइड करते हुए वर्ज़न पे जाना है। वर्ज़न पे जाकर बिल्ड नंबर्स को 3 से 4 बार टैप करके डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है। ऑन कर लेना है, फिर बैक करना है। फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाकर आप DPI को इंक्रीज कर सकते हैं, पर आपको जाना है डेवलपर्स पे क्लिक करके फ़ोन के DPI को आप इंक्रीज कर सकते हैं और DPI को बढ़ा सकते हैं अपने रियल मी P1 फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ रही है। स्मॉलेस्ट विथ पे जाते हैं और सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, तो 390 पे जैसे आप क्लिक करते हैं अपने फ़ोन में और सेव करते ही आपके फ़ोन में DPI को इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे आपका DPI स्मॉल हो जाएगा। देख सकते हैं, आप इसको नॉर्मल करना चाहें तो 33 करके नॉर्मल भी कर सकते हैं, इससे इंक्रीज हो जाता है DPI। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।